गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिन शांति, अहिंसा और संघर्ष समाधान के लिए हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। इस दिन का महत्व इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि यह सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के मध्य बिंदु मील के पत्थर के साथ मेल खाता है, जो शांति और सतत विकास के परस्पर संबंध पर जोर देता है। यह विषय शांति को बढ़ावा देने में हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। यह शांति की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, साथ ही लक्ष्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में 1.2 बिलियन युवा लोगों सहित विभिन्न अभिनेताओं को शामिल करने की अनिवार्यता पर प्रकाश डालता है। फोकस के तीन प्रमुख क्षेत्र असमानता से लड़ना, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस शांति और संघर्ष समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया की दिशा में सहयोगी रूप से काम करने के लिए एक आह्वान के रूप में कार्य करता है। सच्ची शांति, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो हिंसा की अनुपस्थिति से परे फैली हुई है और इसमें ऐसे समाजों का निर्माण शामिल है जहां सभी सदस्य फल फूल सकते हैं। 1986 में न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति बेल का जो उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर एक वार्षिक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान वैश्विक शांति के आह्वान का प्रतीक बनने के लिए शांति की घंटी बजाई जाती है। पीस बेल को सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं और 60 से अधिक देशों के बच्चों द्वारा दान किए गए सिक्कों और पदकों से तैयार किया गया था, जिन्होंने पहल का समर्थन किया था। घंटी टावर का डिजाइन हनामिडो से प्रेरित है, जो बुद्ध के जन्म स्थान के प्रतीक फूलों से जो है सजा एक छोटा सा मंदिर है। पीस बेल साल में दो बार बजाया जाता है, वसंत के पहले दिन और वर्नल इक्विनॉक्स के दौरान, और 21 सितंबर को शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का इतिहास संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 सितंबर 1981 को प्रस्ताव 36/67 पारित करने से शुरू होता है। इस प्रस्ताव में वैश्विक युद्ध विराम और उस दिन सभी शत्रुताओं की समाप्ति का आह्वान किया गया था। इसके बाद प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में घोषित किया गया। पहला आधिकारिक पालन 21 सितंबर 1982 को हुआ था और बाद में 2001 में इस तारीख को आधिकारिक तौर पर 21 सितंबर के रूप में स्थापित किया गया था, जो शांति को बढ़ावा देने और दुनिया भर में शांति प्रयासों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अंत में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस शांति को बढ़ावा देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जहां सभी व्यक्ति कामयाब हो सकते हैं। यह एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण वैश्विक समाज की खोज में प्रतिबिंब, कार्रवाई और एकता का दिन है। तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।